अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम जो है वो चीज़ी कुनाफा कप बनाएंगे, तो बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं तो पहले से ही बना रही हूँ, तो आप लोग देखते जाएं कितना इजी है ये बनाना। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जो है वो सेवियाँ ली हैं। अगर आप लोगों के पास कुनाफा नहीं है तो कोई बात नहीं, सेवियों से भी बहुत मज़े का बनेगा। पहले भी मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं जो है वो एंड में आप लोगों को ज़रूर दूंगी। आप लोग रेसिपी देखिएगा, वो बग़ैर चीज़ के और बग़ैर क्रीम के मैंने बनाया था। तो यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बटर लिया है। अगर आप लोगों के पास बटर नहीं है तो घी भी ऐड कर सकते हैं, अगर घी भी नहीं है तो फिर आप लोग जो है वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि बटर वगैरह और घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और सभी चीज़ें ज़्यादातर जो है वो घी में बनाई जाती हैं। सेवियों को जो हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे, जलाएंगे नहीं। जब सेवियाँ फ्राई होने शुरू हो जाती है ना तो पता चल जाता है, क्योंकि बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो सेवियाँ जो है वो फ्राई हो जाती हैं, ठीक है, जलानी नहीं है। और फ्लेम जो है बस वो मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, क्योंकि सेवियाँ जो है वो फौरन जल जाएंगी और ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगी, बल्कि अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी, इसलिए जो है ना इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए 2 मिनट के लिए मैंने सेवियों को फ्राई किया है, अब हम इसमें ना चीनी ऐड करेंगे। 1 ये तो बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप लोग 6 से 7 टेबल स्पून जो है वो शुगर के ऐड कीजिएगा। लेकिन अगर मीठा आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो जब 1 मिनट के बाद आप सेवियों को चख सकते हैं कि मीठी ज़्यादा है या कम है, तो फिर आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। सेवियाँ हमारी अच्छे से जो है फ्राई हो चुकी हैं, फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। चलें जी, फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो बटर लगाएंगे ताकि साथ में चिपके ना, और अच्छे से जो है वो हमारा कप केक तो नहीं है ये, कुनाफा कप जो है वो आराम से बाइट हो जाए। ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। अब सेवियाँ ऐड करेंगे। अब किसी भी चीज की मदद से जो है अच्छी तरह से आप लोग प्रेस कर, ये तो अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए, अगर आप लोगों के पास कप केक ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के घर में जो कप हैं जिसमें आप लोग चाय पीते हैं, उस तरह के कप में भी आप लोग जो है वो आराम से बना सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ जो है वो मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग कम या ज़्यादा जो है ना अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा। चीज़ तो सब पे मैंने डाल दी है, अब हम लोग जो है इसके ऊपर डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये आप लोगों ने 1 टीस्पून डालनी है। वन टीस्पून भर के डालिएगा। अब दोबारा हम लोग जो है ऊपर सेवियां लगाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से सेट कीजिएगा, और दोबारा फिर आप लोग जो है वो चम्मच की मदद से जो है इसे प्रेस कीजिएगा। दाहूर आप तो पहुंच करो बच्चे। चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, तो अब हम इसको इनको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें चीज ऐड की थी ना, तो चीज जो है वो उसको थोड़ा सा पिघलाने के लिए जो है हम इनको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक पुराना तवा ले लिया था, वो गर्म हो चुका है। फ्लेम जो है हम लोग लो ही रखेंगे, और 2 या 3 मिनट के लिए इनको हम लोग लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि हमारी चीज़ वगैरह जो अच्छे से घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है ना, क्योंकि हम लोग सेवियाँ ऑलरेडी जो है वो पका चुके हैं अच्छे से, इसलिए सेवियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें 2-3 मिनट के बाद मिलते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने बंद कर दी है,
तो चलें आप लोगों को मैं जो है निकाल कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये बिल्कुल भी जो है वो चिपकी हुई नहीं है साथ में, तो बहुत आराम से जो है बाहर आ रही है। कोई भी जो है चिपकी हुई नहीं है। ये देखें ऊपर मैंने जो है वो पिस्ते का पाउडर ऐड किया है, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बादाम भी ऐड कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो है मैं कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत मज़े की क्रिस्पी सी लग रही होती हैं और अंदर से ये चीज़ी हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय।